दोस्तों, आलू की खेती में आजकल एक नया बीमारी आ चुका है और इस बीमारी के ऊपर किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आलू का पौधे का जो पत्ता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ धीरे धीरे मुड़ जा रहा है। तो ये जो पत्ता है ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, इसको बोलते हैं पोटैटो लीफ रोल वायरस। तो ये जो बीमारी है इसके ऊपर किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जा रहा है। और ये बीमारी ऐसा बीमारी है, आखिर पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ रहा है तो इसका जो ग्रोथ है, आलू का पौधा का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे पूरा एकदम बिल्कुल डाउन हो जा रहा है। इस कारण से आलू का साइज भी बड़ा नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आलू का पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ रहा है ये कैसे मुड़ रहा है और किस कारण से मुड़ रहा है, और मतलब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये ऊपर की तरफ मुड़ रहा है और ये पोटैटो लीफ रोल वायरस ही है, और उसके अलावा इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे और वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। आज की वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, पोटैटो लीफ रोल वायरस का थोड़ा सा बेसिक जानकारी के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1916 साल में फर्स्ट टाइम पे क्विंजर इटल नामक एक साइंटिस्ट है जो कि इसका पहला खोज किए हैं, और ये हम लोग इसको PLRV यानी पोटैटो लीफ रोल वायरस नाम पे जानते हैं। अब बात आती है इसका लक्षण यानी इसका सिम्टम्स क्या क्या है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलता है वो पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ देखने को मिलता है। उसके अलावा ऊपर का जो पत्ता है वो थोड़ा थोड़ा रेड और ऑरेंज जैसे कलर हो जाता है, और उसके अलावा ऊपर का जो पत्ता है वो कभी कभी पीले रंग पड़ जाता है, जिस कारण से प्लांट का जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाता है और आलू का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है, और जिस कारण से किसानों को ज़्यादा पैदावार नहीं मिल पाता है और ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसानों को। अब दोस्तों, इसका फैलाव की अगर बात किया जाए यानी ये कैसे फैलता है और कब फैलता है और किसके द्वारा फैलता है, तो सबसे पहला जो इसका मेन कारण होता है वो होता है एपिड्स, यानी आलू का पौधा जैसे 45 से 50 दिन के ऊपर हो जाता है तो उस टाइम पे ज़्यादातर एपिड्स का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। और एपिड एक ऐसा सकिंग पेस्ट है यानी रसचूसक कीट है जो कि ये पत्ते का नीचे की तरफ देखने के लिए मिलता है, और ये बिल्कुल छोटे आकार का देखने को मिलता है, और जिस कारण से ये पत्ते के नीचे तरफ रहता है और ये पत्ते का रस को चूसता है, और जिस कारण से पत्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और हम लोगों को बाहर से सिर्फ पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो एपिड्स, और ये एपिड्स इसका काम ही है कि पत्ते का रस चूसना। और ये ज़्यादातर जब अटैक हो जाता है तो वो धीरे धीरे वायरस पे चला जाता है, यानी जिसको हम लोग पोटैटो लीफ रोल वायरस नाम पे जानते हैं। अब दोस्तों, इसका कंट्रोल की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि वायरस को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को जो करना है, जैसे आलू का फसल 40 से 45 दिन हो जाता है तो उस टाइम पे आप लोगों को एफिड का प्रकोप नहीं होने देना है आलू का फसल में। तो इसके लिए आप लोगों को एफिड के लिए पहले ही दवा को छिड़काव कर देना है, और एफिड के लिए आप लोगों को सबसे बेस्ट जो दवा आती है इमिडाक्लोरोपिड, जो कि 70% WG फॉर्म पर आता है मार्केट में, जैसे कि धनुका कंपनी का एडफायर नाम पर भी मिलता है या फिर बायर कंपनी का एडमायर नाम पर भी मिलता है, और भी बहुत सारे कंपनियों का इस टेक्निकल के ऊपर मार्केट में मिल जाता है। किसी भी कंपनी का एक आप लोगों को स्प्रे कर देना है, और ये टेक्निकल अगर आप लोगों को मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप लोग इमिडाक्लोपिड 17.8% वाला जो SL फॉर्म पे मिलता है यानी बायर का कॉन्फिडोर नाम पर भी मार्केट में मिलता है, उसको भी आप लोगों को 15 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को एफिड के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आलू की फसल में एफिड का प्रकोप आप लोग नहीं होने देंगे तो ये गारंटी के साथ कि पोटैटो लीफ रोल वायरस भी आप लोगों को आलू की फसल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इस तरीके से अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो पोटैटो लीफ रोल वायरस का टेंशन ख़त्म। तो ये था दोस्तों आलू की फसल में पत्ता ऊपर की तरफ मोड़ने का कारण और उसको कंट्रोल करने का उपाय के बारे में पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।